हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज सलोनी रस्तोगी। तो आज सभी जानते हैं कि आईबीपीएस का कैलेंडर लॉन्च हो चुका है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये आईबीपीएस का जो कैलेंडर यानी बैंक की जो वैकेंसीज आई हैं वह सीईटी के थ्रू हो रही हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ये सीईटी के थ्रू नहीं करवाई जाएंगी। आईबीपीएस ही बैंक की सारे जितने भी आने वाले एग्जाम्स है उसको कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एसएससी भी उसका कैलेंडर आ चुका है और सारे एग्जाम एसएससी ही कंडक्ट करवा रहा है, इसलिए आईबीपीएस सारे बैंक के एग्जाम्स वही कंडक्ट करवाएगा, सीईटी अभी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आरआरबी और नेशनलाइज में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं आरआरबी की जो सिटी में रहती हैं। तो आपको समझना होगा कि आप अगर आरआरबी और नेशनलाइज दोनों ही एग्जाम फिल करते हैं तो आरआरबी हमारे ग्रामीण बैंक है, इसकी जो पोस्टिंग रहेगी वो गांव वाले एरिया में रहेगी, यानी कि आपको शहर में बैंक नहीं मिलेंगे। कुछ ब्रांचेस हैं जो आरआरबी की शहर में भी हैं, लेकिन सारे बैंक में ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, जो भी आपको आरआरबी अगर आप फिल करते हैं और आपको सिलेक्शन होता है तो आपका जो अपॉइंटमेंट होगी वह ग्रामीण एरिया में ही होगी, जबकि नेशनलाइज में सिटी वाले आपको बैंक मिलते हैं। दूसरी जानकारी यह है कि जो ऑफिस असिस्टेंट हैं और क्लर्क हैं ये एक ही पोस्ट रहती है। आरआरबी में इसको ऑफिस असिस्टेंट बोला जाता है, जबकि नेशनलाइज में क्लर्क। ऑफिसर स्केल 1 और पीओ सेम ही है, तो इनकी एज लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए। क्लर्क के लिए मिनिमम 18 साल से लेकर 28 साल तक, और जबकि पीओ जिसे ऑफिसर स्केल 1 कहा जाता है उसकी मिनिमम एज 18 साल से लेकर 30 साल तक रहती है। और अगर आप 2024 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी सारे फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि सब में केवल ग्रेजुएशन ही रिक्वायरमेंट होती है। ये जो ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 है ये ऊंचे पद की पोस्ट रहती है, इसलिए इसकी एज क्वालिफिकेशन भी ज्यादा रहती है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 साल से लेकर 32 साल, जबकि ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 साल से लेकर 40 तक की एज यहाँ पर वैलिड रहती है। अभी इसके नोटिफिकेशन ही आया है, अभी कैलेंडर लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी जो प्रोसेस है पूरा वो अभी साइट पर स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगी, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और नेक्स्ट जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।